गोश्त पक रहा है, देखिए इसको भी नहीं है ये, और ये देखिए देखिए इसका हालात अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो है ना इसका लिपाई लगा लिया, हमारी जो हंडी है इनका ये देखिए, अब इसको सूखने के लिए रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे, सलामती के साथ रखे, आमीन। इसी नेक दुआ के साथ जी कर रहे आज के ब्लॉग की आगाज़। तो जी आज हम बनाएंगे हंडी गोश्त, जो पंजाब के गांव वाले कैसे बनाते हैं वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब इसकी सर्विस करनी है भैंस की। अच्छा ले पैक। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। चलने काम है, चल भाई चले, हम दूसरी लेके आए। सुबह नहाने का रही है, अब इसको मजा आएगा ना। और क्या, ले ले काफी देर हो गई को। इतना ज्यादा गर्मी हुआ है इस बार, बारिश का तो कोई नामो निशान नहीं है, बस अल्लाह खैर करेगा। टैप पे निकलेगा अंकल, मैं इनका पानी भर दूँ, गिर के आया इसको बाहर निकाल दूँगा। मैंने नहीं लगाया, मैं इधर के भर रही हूँ, मर लो अपने नालों।
तो जी अभी ना हमारे कट्टा आ गया है और इनको भी जो है इसका नाम है लक्की। तो हमारे कट्टे को भी आज अंकल जी ने सारे हमारी ना कट्टे को भैंसों को बिल्कुल फ्रेश कर दिया, जो कि हमें इससे पहले करना था। तो अभी इनको ना नहला रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रहा है ना कि आप लोगों को हम बताएं तो आप लोग कहेंगे कि ये रोज़ ही व्लॉग में गर्मी और गर्मी बता रहे हैं। तो 45 से भी ज़्यादा हमारी पंजाब में ना इस बार पिंड में गर्मी है। पता नहीं शहरों वाले का पास कैसे गुजारा होता है पर गाँव में तो बहुत ही बुरा हाल है, ख़ास करके जब ना पानी का मसला हो जाता है। और इधर देखिए ऐसे बादल बना हुआ है लेकिन दूर दूर तक ना कुछ भी मौसम का नहीं है। सुबह इतना अच्छा बादल बना था जो आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप मैंने शेयर किया, लेकिन उसके बाद फिर से ना जैसे ही 8-9 बजने लगे फिर धूप वही निकल गया। तो बस ऐसा ही मौसम हो रहा है। तुम पहले हाँ तो ईद में ये नहला था पहले इसके पहले तो ये हमारा जो छोटा कालू है ना जिनको आप सर्दियों में देखते थे बाहर रहता है और इसको मैं खाना खिलाती थी दाना वगैरह देती थी वो ही कालू है। और ये ना बहुत कमज़ोर सा हो रहा है, गर्मी में तो वैसे ही नहीं खाते हैं तो इसको भी नहला दिया। और ये देखिए इसका हालात, इसने ये ले कर चल पड़ा। इसको लग रहा है ना इसको नहाने का शौक नहीं है अंकल। हाँ डरता है। इसमें भी पानी मैंने लगा दिया अभी। ले। क्योंकि ये पानी वगैरह भरते भरते बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है मसाला हमने सारा तैयार कर लिया है, टमाटर प्याज साबुत मिर्च अदरक लहसुन और यहाँ खड़ा मसाला और यहाँ पर जो है मिर्च धनिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हल्दी नमक हसबे जायका और यहाँ पर पुदीना जो एंड में यूज़ होगा। तो जी हमने जो है अभी तेल दे दिया है और आप लोगों का वक्त ज़ाया ना करने के लिए मैंने गोश्त को जो है पहले उबाल के रखा है ताकि थोड़ा जल्दी पक जाए। तो चलिए सबसे पहले जो हमने प्याज को शामिल करेंगे और अभी तेल गर्म नहीं हुआ तो प्याज जो है इसको जो है ना
थोड़ा फ्राई होने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, तब तक जो है बाकी कम कर लेते हैं। तो चलिए जी प्याज को देख लेते हैं। अब तो तेल भी माशाल्लाह गर्म हो गया। तो जी अभी जो ये खड़ा मसाला है पहले इसको डाल देंगे, सूखी मिर्च। दो तेज पत्ते और ये जो है इसमें है इलायची, लौंग, जीरा, ये सब कुछ जो है जो अदरक लहसुन था वो ऐसे मैंने काटा था। इसको भी टमाटर जी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च है, नॉर्मल मिर्च है, हल्दी और धनिया, इसको भी सारे शामिल कर देंगे। अब जी अच्छे से इनको जो है भून लेंगे मसाले को, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जी अब करेंगे गोश्त को शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने उबाल के रखी थी, इनका यखनी है, अब थोड़ा थोड़ा करके यखनी को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमने सब कुछ शामिल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है गोश्त को पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए सारा मसाला जो है हमने बिल्कुल जो है ना शामिल कर दिया है। लोगों को दिखा देते हैं कि गोश्त जो है ना माशाल्लाह ये देखिए पक रहे हैं। ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आओ। सारे मिर्चियां खा गए। तो जी अभी देख लेते हैं गोश्त को। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या रंग आया, कलर कितना अच्छा आया इसका, सारा मसाला जो है ना घुल गया बिल्कुल। माशाल्लाह कितना जबरदस्त गोश्त पका है। देखिए बिस्मिल्लाह।
तो ये देखिए जी, माशाल्लाह गोश्त बिल्कुल बन के तैयार है। तो आप लोगों को जो है मैं डिश आउट करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जी इसमें थोड़ा सा मैंने पुदीना शामिल कर दिया और हमारा जो गोश्त है बिल्कुल बन के जी तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह।